नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बांदा में किसानों की समस्याओं को लेकर जिस तरह से प्रदेश सरकार लगातार किसानों को खेती से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं, तो वहीं जिले में कुछ बालू माफियाओं की तरफ से किसानों को लगातार परेशान किया जा रहा है, जहां उनके खेतों में अवैध खनन करके डरा धमका के खेतों को बर्बाद किया जा रहा है, जिससे किसान परेशान है। ऐसे एक किसान ने मरोली खंड के संचालक से परेशान होकर जिलाधिकारी के सामने गुहार लगाई। बता दें कि मरौली खदान खंड के दबंगों की तरफ से उसके खेत से जबरदस्ती बालू का खनन किया जा रहा है। चार खंड वाले हैं। ये कौन सा गांव है? ग्राम मरौली। मरौली खंड चार वाले। आपको खेत जबरदस्ती जो कितना खोद डाले आपको? करीबन जो है ना, ये आधा बीघा के लमसम खोद डाला है। आधा बीघा जबरदस्ती खोद डाले? और क्या, देख लीजिए सामने है आपके। आपसे पूछा नहीं कुछ? हमको इतला तक नहीं दिया है। अच्छा, कितनी गहराई में लगभग खोद रहे हैं? 30 फुट गहरा है, देख लीजिए। 30 फुट गहरा सामने है। ये कितने दिन में खोद डाला गया है? ये 2 दिन के अंदर है खोद डाला गया है। दो दिन में इतना खोद डाला? हाँ। हमारी खेती उधार जबरदस्ती उधार हम पैसे मांगने गए तो हमको मारो है। कितने लोगों ने मिलकर मारा? ये सब मारो ही हम एक तरह नहीं जानते सब बाइकल में अंदर मारो नहीं करते। बुलंदशहर में दिव्यांग जनों के जीवन में गुणात्मक सुधार और सहायता के लिए सेंट आरजे पब्लिक स्कूल परिसर में निशुल्क दिव्यांग सेवा शिविर का आयोजन किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो वहीं कार्यक्रम में करीब 80 दिव्यांगों को आवश्यकता अनुसार ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी आदि उपकरण वितरित किए गए। चिपको आंदोलन की 48वीं वर्षगांठ पर चिपको आंदोलन की जननी गौरा देवी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। उनके गांव रैणी में गौरा देवी के प्रतिमा पर अभिषेक कर उनके श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि लगभग 48 साल पहले जोशी मठ के रैणी गांव से वहां की महिलाओं ने गौरा देवी के नेतृत्व में पेड़ों पर चिपक कर पेड़ों और पर्यावरण को बचाने की मुहिम चलाई थी। तब से लेकर ग्रामीण चिपको आंदोलन की वर्षगांठ मनाते आ रहे हैं। जो हमने बहुत त्योहार किया आतोनी अहंकार जो हमारा सहेली था मिलजुल कर काम करना हम और अब जग पर्यावरण का हमने बहुत शोध देश में बताया। जो पर्यावरण नहीं जानता है देश विदेश में हमने पर्यावरण के सरकार कुछ नहीं जानता था अपने पर्यावरण, तो हमने इसी चिप आंदोलन की भूमि से हमने देश में एक दर्शन दिखाया चिप आंदोलन की पर्यावरण। और आज पर्यावरण से जंगल बचनु था, ये भूमि बचनु था, ये गाय बछड़ी ज़्यादा संख्या था, जान जानवरों की संख्या ज़्यादा था, आज इंसान जानवरों की संख्या ज़्यादा हो, नदियाँ बिक रही, प्रदूषण ज़्यादा हो रही और गांव नदी नदी से फूट कर बंजर हो रही और जंगलों की नाश हो रही। तो आज बहुत प्रदर्शन हो रही, उस टाइम पर जानवरों की संख्या और अनाज भूमि बहुत तक्का था और हमारे अनाज बहुत किस्म के अनाज कम था। आज जिस दिन से हमने सरकार ने अपने कब्जा करा। हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र के माधवपुर में किशोरी के साथ छेड़छाड़ को लेकर एक युवक की जमकर पिटाई हुई है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं घटना में घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया। पिटाई के बाद पीड़ित एसपी ऑफिस गया और मामले की कार्रवाई की मांग की है। थाना कोतवाली शहर पर एक युवती है, उम्र 16 साल, इसने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि गाँव के एक लड़के ने उसके घर में घुस करके उसके साथ छेड़खानी की है। इस सूचना पर पुलिस ने उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है और इसी संबंध में जो छेड़खानी करने वाला लड़का है उसकी मां ने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि उन्होंने हमारे बेटे के साथ मारपीट की है। पुलिस दोनों मामलों में अभियोग पंजीकृत कर ली है और आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। भैया हमारो पोता टट्टी जाती है तो तहाँ हुआ वहीं पकड़ लो, खड़क पत्ते कढ़ेल लो भीतर का जो पुरानी रंजित आती भीतर कढ़ेल के भीतर हमारे पोते ही मारो। हम लोग घने मत घर में कोई हतो ही नहीं, मेहरू ही चलो अब बहुत मारो लोग मारो। अब हम लोग चले थक जने सिपाही लेके चले आए तब हम लोग रिपोर्ट के चले तब हमें सबका घर में मारो जाए कहाँ लगे रिपोर्ट रिपोर्ट करे रिपोर्ट के नतीजा तुम्हें सबका। हरदोई के मल्लावा के 60 साल के बुजुर्ग का पैर पर हादसे में फ्रैक्चर हो गया। परिजन उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां काफी देर तक वो इमरजेंसी गेट पर वार्ड बॉय का इंतजार करते रहे लेकिन कोई नहीं आया।
काफी देर खड़े होने के बाद जब कोई नहीं आया तो बुजुर्ग के परिजन खुद व्हीलचेयर ढूंढकर लाए और इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ने लगे। इसी बीच अस्पताल का निरीक्षण कर रहे सीएमएस डॉक्टर शक्ति बसु की निगाह मरीज को ले जा रही परिजनों पर पड़ी। ये देख सीएमएस ने बिना देरी के इधर उधर घूम रहे वार्ड बॉय को बुलाया, फटकारने के बाद मरीजों को इमरजेंसी वार्ड पहुंचाया। सीएमएस का कहना है कि लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये रूटीन निरीक्षण था, मैंने इमरजेंसी में निरीक्षण किया तो वहाँ पे आज काफ़ी भीड़ भी है शनिवार के नाते, तो वहाँ पे कुछ घायल भी थे और कुछ इमरजेंसी मरीज भी थे। लेकिन एक बहुत आपत्तिजनक बात हमको मेरे संज्ञान में आई कि एक पेशेंट को उनके अटेंडेंट जो है व्हीलचेयर में लेके जा रहे थे। मैंने तत्काल जो वार्ड बॉय नामित है उनको बुला के इसके लिए सख्त निर्देश दिए हैं, उनको चेतावनी भी दी जाएगी। मेरे बार बार कहने के बावजूद उन लोग बीच बीच में इस तरीके की कमियां पैदा कर देते हैं जिससे जनमानस को नुकसान होता है, तो इनसे स्पष्टीकरण मांग के इन पर एक्शन किया जाएगा। बाकी थोड़ा साफ़ सफाई और उच्चीकृत होनी चाहिए और मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से थोड़े मौसमी बीमारियाँ जो हैं उनकी बढ़त हो रही है, उसके लिए मैंने डॉक्टरों को थोड़ा सा ताकीद किया। लखनऊ के माल थाना क्षेत्र के अटारी गांव में रिटायर्ड दारोगा के पिता की 7 महीने पहले हत्या कर दी गई थी। बताया ये जा रहा है कि पुलिस ने मौत का कारण आकाशीय बिजली का गिरना बताया था। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार गोली मारकर हत्या की पुष्टि की गई थी, जिसके बाद मृतक के परिजन एडजी जोन लखनऊ कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने में महिला मजदूर की जान चली गई थी। बता दें कि आज जब पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा था परिजनों में कोहराम मच गया। यही नहीं, परिजन अंतिम संस्कार से इनकार करते हुए ठेकेदार और ट्रैक्टर ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। वहीं घटना की खबर पाकर बाजार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार को समझाकर अंतिम संस्कार के लिए राजी किया है। घास लगावे गई रहे और 9-10 लोग रहे और हमें महतारे कही रहे हैं और अलीम चलावत रहे हैं और अलीम से कहें कि भैया रुक जाओ गड्ढा है उतर जा दियो, लेकिन इन्होंने रुका नहीं और लेके गए। ट्रैक्टर जाए भरे का रास्ता नहीं रहा वही की, लेकिन फिलहाल लेके गए और ट्रैक्टर ट्राली पलट गया। हम अम्मा वही की तरह दबाई गई ख़त्म हो गई और कहा कहा कि 9 लोग घायल हैं अस्पताल में भर्ती हैं। तो आज उनकी लाश आई है घर पर? कल शाम का आई है। तो आज तो उनकी अंत्येष्टि आप लोग कर रहे हैं जी, तो क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम सहायता चाहते हैं कि सख्त सख्त कार्रवाई होए। और किस पर कार्रवाई? जो ट्रैक्टर पलट दिया है अलीम के। मथुरा के वृंदावन में पति से परेशान पीड़िता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति और उसके दोस्त आए दिन पीड़िता को जान से मारने की धमकी देते हैं। इसी के साथ ही पीड़िता ने पुलिस पर भी मामले में कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। वहीं महिला ने पुलिस अधीक्षक से मामले में कार्रवाई कर न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम शैलजा है, मैं ये शिकायत लेके आई हूँ कि मेरा घर है, मैं वृंदावन से आई हूँ, तो मेरे घर में प्रभु गोस्वामी नाम के व्यक्ति हैं जो मेरे घर के अंदर घुस के उन्होंने मेरे घर के गेट पे वेल्डिंग से ताले तोड़े हैं। हमारा डिस्प्यूट चल रहा है आपस में, लड़ाई झगड़ा 5-4 सालों से, ठीक है। हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई निजी संबंध नहीं है। मैंने मार पिटाई को लेकर हाँ जी, कल ऐसा हुआ कि कल ये आए मेरे घर में, ये 3:30-4 बजे के आसपास की बात है, हमारे घर में आए 4-5 व्यक्तियों को लेकर आए, ठीक है। उन्होंने आए और उन्होंने गेट को वेल्डिंग से पूरे गेट को तोड़ दिया और अंदर की तरफ घुसे, अंदर आके हम सबको पीटा उन्होंने। हाँ जी, मैंने बिल्कुल शिकायत करी, मैंने फ़ोन भी मिलाए, सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अपने प्रार्थना पत्र भी दिए, सब कुछ किए, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक के परिजनों ने जीजा पर युवक की हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं युवक की मौत से उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आरोप है कि उसके जीजा ने युवक के साथ जमकर मारपिटाई की। युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां युवक की मौत हो गई थी। युवक के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू करने के साथ ही युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घर वालों ने जो सूचना दी है, जो तहरीर दी है, उसके हिसाब से
रजनीश तनोफ सुभाष चंद जो है वो प्रकाश नगर गली नंबर 2 के रहने वाले हैं। उन्होंने ये सूचना दी पुलिस को कि कल रात ये इनकी माँ जो है मृतक की वो अपने दामाद के यहाँ पे विपिन बिश्नोई के यहाँ पे जो कुंदनपुर के रहने वाले हैं वहाँ पे अपने लड़के को छोड़ के गई थी। फिर उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे उनके दामाद ने उनको शराब वगैरह पिलाई और नशे की हालत में मारपीट की, जिसकी वजह से रात को 3 बजे इनकी मृत्यु हो गई है। उत्तराखंड के नैनीताल में डीएसी मैदान में हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसके विरोध में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने डीएसी मैदान पहुंचकर नगरपालिका के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। वहीं स्थानीय व्यापारियों और प्रदर्शनी में स्टॉल लगाने वाले व्यापारियों के बीच तीखी झड़प देखने के लिए मिली। प्रतापगढ़ के बागराय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि टाइनी संचालक जयप्रकाश मिश्र के साथ भाव चौराहे पर 21 मार्च को 86,000 की लूट हुई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार लुटेरों को पकड़ने में लगी हुई थी। वहीं पुलिस ने घटना के 5वें दिन 2 लुटेरों को गिरफ्तार करते हुए घटना में शामिल अवैध तमंचा सहित लूट के 15,000 नगद, बाइक, लैपटॉप भी बरामद किया है। देखिए, बागराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत 21 तारीख को 21 मार्च को एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक टाइनी शाखा संचालक से मोटरसाइकिल पे सवार 3 बदमाशों के द्वारा उसका लैपटॉप, चार्जर और 86,000 रुपये लूटे गए थे। इस क्रम में गंभीरता को के दृष्टिगत इसमें एडिशनल एसपी पश्चिमी और सीओ सदर के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें कि अपराधियों की शिनाख्त हेतु और मोटरसाइकिल की पहचान हेतु 2 टीमों का गठन किया गया था। इसमें मुठभेड़ के उपरांत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से लूट में प्रयुक्त हुई मोटरसाइकिल और लैपटॉप चार्जर के साथ में और 15,000 रुपये, 1 तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस इनके पास से बरामद किए गए हैं। सहारनपुर के थाना कुतुब शेर क्षेत्र में चोरों का आतंक लगातार जारी है, जहां पर चोर ने महाराष्ट्र बैंक के सामने से बाइक चोरी कर ली और मौके से फरार हो गया। वहीं चोर की चोरी करते हुए वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पीड़ित ने चोर के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। सिद्धार्थनगर के तिलोकपुर थाना क्षेत्र में एक बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। वहीं इस घटना में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सितारगंज में माता रानी सती दादी के मंगल पाठ का भव्य आयोजन महाराज अग्रसेन धर्मार्थ ट्रस्ट में किया गया। सबसे पहले रानी सती दादी माँ की प्रतिमा के पास दीप प्रज्वलित किया गया, फिर बच्चों की तरफ से गणेश वंदना के साथ मंगल पाठ शुरू हुआ। वहीं गोरखपुर से आई गायिका रेखा गोयल ने अपने सहयोगियों के साथ दादी माँ के मधुर भजन गाए। थराली के नारायण बगर ब्लॉक में छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए ब्लॉक स्तरीय समग्र शिक्षा अभियान के तहत सपनों की उड़ान कार्यक्रम खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर बच्चों ने हर प्रकार की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किए और आकर्षक पुरस्कार भी जीते। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत हमारे यहाँ प्रतिवर्ष जो है सपनों की उड़ान कार्यक्रम का आयोजन होता है, और विगत 2 वर्षों से हम कोरोना के कारण इस कार्यक्रम को आयोजित नहीं कर पा रहे थे। वर्तमान में हमारे विकास खंड के 90 प्राथमिक, 19 उच्च प्राथमिक और 22 माध्यमिक के विद्यालय के बच्चों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया, और जो बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं, जो उनमें कला है, जो उनमें उनकी जो सर्वांगीण विकास के लिए जो कार्यक्रम किए जाते हैं वो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए कि किस प्रकार से वे अपने सपनों के चित्र या वो भविष्य के लिए क्या बनना चाहते हैं उनकी अपने चित्रों के माध्यम से उसको घेरेंगे, और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। राजकीय आदर्श विद्यालय चोपता से आज ये कार्यक्रम हुआ, जो बहुत प्रसन्न है सब। इस कार्य से ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए तब कि बच्चों का उत्साह बढ़े और बच्चे आगे बढ़ें। हमारी स्कूल बहुत अच्छी स्कूल है, चोपता राजकीय आदर्श विद्यालय।
और वहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं बच्चों को, बच्चों का ध्यान अच्छे से देते हैं, ड्रेस अच्छी होनी चाहिए, कपड़े सारे, और बच्चे अच्छा पढ़ते हैं। हमें अपने बच्चों को देख के अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे भी सरकारी जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, और बहुत उत्साह होता है कि ये भी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। विकास खंड स्तर पर जो सपनों की उड़ान कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा अपने उच्चाधिकारी का कि बच्चों को ऐसा मंच, कोरोना के कारण जो है बहुत अस्त व्यस्त हो गया था, तो हमारे बच्चों को ये यहाँ पर एक मंच मिला ब्लॉक स्तर पर, और यहाँ पर बच्चों ने विभिन्न क्षेत्रों में हमको आगे बढ़ने की उनकी जो संभावना थी उनको ये देखी। कई बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए, कुछ जिन बच्चों ने प्लेस अपना प्लेस स्थापित किया वो बच्चे आगे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने जो है परफॉर्मेंस देंगे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।